हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चटाको बाय हर्षा। आज मैंने बनाई है मूंग की सब्जी, वो भी सूखी वाली। तो आप रोटी और चावल के साथ तो खा ही सकते हैं, उसके साथ उसकी चाट बना के भी खा सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर प्याज और नमकीन सेव डाल के खाए तो वो चाट जैसा भी बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब हम तेल को गरम होने देंगे और तेल थोड़ा सा गरम हो जाए, बाद में हम उसमें कद्दूकस किए हुए या तो कोर्सली क्रश किए हुए लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। और उसके साथ ही मैंने फ्रेशली कद्दूकस करके अदरक भी डाल दिया और साथ में थोड़ी सी हींग। और ये हमारा जो तड़का है वो अच्छे से थोड़ा सा रेडी हो जाए, मतलब कि लहसुन अच्छे से भुन जाए, लहसुन और अदरक। फिर बाद में हम उसमें डालेंगे करी पत्ते। तो करी पत्ते डालने के बाद हम उसमें थोड़े थोड़े करके से पानी डालेंगे। ये पानी मैंने करीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना ही लिया है। हमें सूखी सब्ज़ी बनानी है तो पानी ज़्यादा नहीं डाला। ये पानी हमने इसलिए डाला क्योंकि हमारे मसाले जले नहीं। अब हम उसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी 1/8 टीस्पून जितनी, फिर उसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और लाल मिर्च पाउडर के साथ हम डालेंगे थोड़ा धनिया और जीरा पाउडर। तो हमारे गुजरात में तो धनिया जीरा पाउडर मिक्स करके ही रखते हैं, अगर आप अलग अलग डाल सकते हो तो आप 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, वो भी 1/4 टीस्पून। मसाले आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसे नाश्ते में खाना है और वैसे ही खाना है तो आप कम मसाले डालें। और इसके साथ मैंने यहाँ पे डाल दिए बॉईल किए हुए मूंग, जो हरे मूंग होते हैं उसको मैंने आधा घंटा भिगो के प्रेशर कुक कर लिया है, पर वो ड्राई रहे वैसे ही प्रेशर कुक किया था। फिर उसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और नमक के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा पाउडर गुड़। आप चीनी चाहे तो शक्कर या चीनी भी डाल सकते हैं, या तो थोड़ा सा गुड़, पर गुड़ ज़्यादा नहीं करना है। हमें थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे गुड़ डाला है। तो अब हमारे सारे मसाले मिक्स हो जाए तब तक हम उसको थोड़ा सा पकाएंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम डालेंगे उसमें हरा धनिया। तो हरा धनिया आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये फाइनली हमारे मूंग रेडी हो गए हैं, पर उसको हम 1-2 मिनट तक पकाएंगे ताकि मूंग में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और सामने लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा जिन्हें कुकिंग पसंद है उनके साथ। और ये इजी भी है तो हर कोई ये रेसिपी आसानी से बना सकता है। अब हम उस मूंग को सर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको सर्व कर रही हूँ रोटी और चावल के साथ। अभी तो मैं बाउल में सर्व कर रही हूँ, पर मैं खाने वाली हूँ रोटी और चावल के साथ। तो आप कैसे खाना पसंद करोगे ये भी बताइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।